निज्जर की बारी तो अब आई। इससे पहले परमजीत सिंह पंजवार को परलोक सिधारने का नंबर आ गया। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ पंजवार कनाडा में तो नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठा था, उस पाकिस्तान में जहां टेररिज्म स्ट्रेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है, जो भारत विरोध की आग में इस कदर अंधा है कि वो कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंक की फसल को बोने की साजिश रचता है। पंजवार को इसी साल मई की शुरुआत में मौत के घाट उतार दिया गया। लाहौर में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर पंजवार की हत्या की गई। इससे पहले एक और खालिस्तानी का नंबर आ चुका था। आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ, नाम अवतार सिंह खांडा, तारीख 15 जून, जगह ब्रिटेन का बर्मिंघम। खांडा अस्पताल में भर्ती था, जहां संदिग्ध हालत में खांडा की मौत हो गई। समर्थकों ने आरोप लगाया कि खांडा को जहर दिया गया। खांडा वही गद्दार है जिसने ब्रिटेन में इसी साल मार्च में भारतीय तिरंगे का अपमान किया था, भारतीय हाई कमीशन के बाहर तिरंगे की बेअदबी की थी, खालिस्तानी झंडा फहराया था। खांडा को ये बेअदबी जान देकर चुकानी पड़ी। खांडा की मौत का सच शायद ही कभी सामने आए, क्योंकि यूके पुलिस भी वजह नहीं तलाश सकी और बाद में मजबूर होकर ब्रिटिश पुलिस को कहना पड़ा कि खांडा की मौत सामान्य मौत थी। निज्जर की हत्या पर जब भारत और कनाडा के बीच तनातनी चरम पर है, इसी बीच एक सनसनीखेज हत्या और हुई, और वो भी कनाडा में। कनाडा में गैंगस्टर सुखा दुनक्के की हत्या। सुखा निज्जर के साथी का राइट हैंड था। निज्जर का दायां हाथ माना जाता है अर्श डल्ला। डल्ला की परछाई था सुखा दुनक्के। सुखा दुनक्के पर बरसी 15 गोलियां। दुनक्के इंडिया में ए कैटेगरी के गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था। साल 2017 में जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा फरार हो गया, लेकिन जब निज्जर जैसे बड़े आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, तो दुनक्के की क्या बिसात। 15 गोलियों ने दुनक्के के जिस्म में इतने छेद किए कि खून भी किस सुराग से बहे कंफ्यूज हो गया होगा। कनाडा के विनिपेग में सुखा का काम तमाम। सुखा पर 15 राउंड फायरिंग, मौके पर ही ढेर हो गया सुखा। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था दुनक्का। एनआईए ने 41 आतंकियों और गैंगस्टर की लिस्ट जारी की थी। सुखा की हत्या की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श ढल्ला का राइट हैंड माना जाता था। अर्श ढल्ला आतंकी हरदीप निज्जर का करीबी साथी था। ढल्ला उसके साथ मिलकर केटीएफ के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था, लेकिन अब निज्जर और सुखा दोनों नर्क में बैठे आराम कर रहे होंगे। स्पेशल ऑप्स किसका है? क्या इसे गैंगस्टर अंजाम दे रहे हैं, या इसमें कोई दूसरा पेंच भी है? क्योंकि गैंगस्टरों के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सुखा के कत्ल का जिम्मा लिया। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सारे खनू। ये सुखा दुनक्के जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े थे हमारे भाई गुरलाल बराड़। विक्की मिड्डूखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके लिए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुखियां और तिक्कियां अभी रह गई हैं, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए कामों की सजा मिलेगी। निज्जर, सुखा और इससे पहले पंजवड़, हत्याओं के पीछे स्पेशल ऑप्स है।
इसको दावे से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे ऑपरेशन हमेशा बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। पंजवड़ को पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा गया। उससे पहले भी भारत के खिलाफ आतंक का जहर उगलने वाले टॉप आतंकियों को वहां चुन चुन कर निशाना बनाने का काम जारी था। हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर बशीर मीर को ढेर किया गया। जैश ए मोहम्मद का जहूर मिस्त्री को भी इसी तरह टपकाया गया। हिजबुल के टॉप कमांडर बशीर मीर का अंत इस्लामाबाद में हुआ था। इसी साल फरवरी में बशीर मीर को मौत के घाट उतारा गया। यानी एक मैसेज जरूर है, भारत के खिलाफ जहर उगलोगे तो बचोगे नहीं, फिर चाहे कोई कितना भी तुर्रम खां आतंकी क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, गोली की बात करोगे तो गोली की मौत ही मरोगे।